नमस्कार और आदाब। आज शनिचर है, 14 तारीख मार्च। मार्च के 14 तारीख पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। वैसे 7 दिन की खबरें हमेशा हफ्ता भर की खबरें हम आपको बताते हैं, लेकिन हफ्ता भर की खबरें आज एक तरफ और जो खबर कल बाहर लाया गया है वो खबर एक तरफ। हम कई हफ्तों से आपको कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देते रहे, लेकिन अब ये पता चला है कल के खबरों से कि सूरीनाम देश में भी एक शख्स के पास ये कोरोना वायरस मिला है। ये कोरोना बीमारी जो है इनके पास है। कल वैसे बहुत से लोग कहते हैं कल फ्राइडे द 13th थे, 13 तारीख लोग बहुत एक भयानक दिन तारीख मानते हैं, सुख के दिन फ्राइडे द 13th जो लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा एक भयानक खबर भी कल आई है और लोग कहते हैं कि वास्तव में कल फ्राइडे द 13th थे। फिर से प्रेसिडेंट अश्विन अधीन वो कल दिन में लगभग 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंसी लगाने वाले थे, लेकिन यह प्रेस कॉन्फ्रेंसी टाल दी गई है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंसी जो कैबिनेट फे पेपर होने वाली थी ये टाल दिया गया था, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसी है ये शाम को लगभग 3 बजे जारी हुआ है। पंचगढ़ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंसी लेगी, लेकिन दयाना में पंचगढ़ में फिस प्रेसिडेंट पंचगढ़ को ये जानकारी दिए है ये कोरोना वायरस के बारे में और जिस शख्स के पास ये कोरोना वायरस मिला। Vandaag, vrijdag 13 maart 2020, is het eerste geïmporteerde geval van COVID-19 bevestigd door het Centraal Laboratorium van het BOG. Omstreeks 10:15 vanmorgen kreeg het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg de melding van een persoon met koorts, hoesten, hoofdpijn en lichaamspijn. ये COVID-19 छोटे रूप में ये कोरोना वायरस जो कहते हैं ये अब यकीनन सूरीनाम देश में आ गया है। एन बस्मत खफा ये लोग बताए हैं। 13 तारीख मार्च के सुबह में कल 10:15 बजे बेओखी के जो हॉटलाइन है इस पर एक मेल्डिंग आई है कि एक स्त्री जो है इनको खांसी है, बुखार है, बदन शरीर में पीरा है, और लोग वहाँ पर गए हैं इनको टेस्ट करने के लिए। ये स्त्री जो है, ये औरत जो है 11 तारीख को बुध 11 तारीख मार्च को हॉलैंड से सूरीनाम देश आए हैं, और जानकारी से ये पता चला है कि हॉलैंड में रोटरडम और डेल्फ में वो गए थे जहाँ पर बहुत से ऐसे लोगों को ये COVID-19 वायरस है। वैसे ये एक सस्पेक्ट केस था पहले, जब तक ये साबित नहीं होते टेस्ट के बाद, लेकिन मॉन्स्टर लेने के बाद बेओखी कल शाम को 3:15 पहले लगभग 3:45 बजे ये खबर दिया है कि वास्तव में इनके पास ये वायरस मिला है। इनके परिवार को ये जानकारी दी गई है और इन इस स्त्री को लोग इनके घर पर क्वारंटाइन में रखे, मतलब औरों से अलग रखा गया है। ये एक फोर्स और अस्मात रेखल है जो पिछले हफ्तों से मैं आपको भी बताते आए हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आपको है या आपको ये कोरोना वायरस है, तो ये बेहतर होगा कि आप अपने आप को लोगों से अलग, लोगों से दूर रखें, और ख़ासतौर पर जो लोग विदेश से आते हैं जहाँ पर यह वायरस है, तो आप लोग खुद अपने आप यह मात रेखल ले सकते हैं अपने आप को औरों से दूर रखने को 2 हफ्ते के वास्ते। ऐसा अब हुआ है इस पेशेंट को या मरीज को अपने घर पर लोग पॉलिसी बवाकिंग के साथ लोग क्वारंटाइन में रखे हैं, और इससे लोग चाहते हैं या इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये बीमारी जो ये वायरस जो है और आगे फैल ना सके, औरों को ना हो। सरकार ये कहे है एक दयाना में ये ऐलान करने के बाद फीस प्रेसिडेंट अश्विन अधीन जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंसी लगाई है जहां पर मौजूद था बेओखी, एनसीसीआर और मिनिस्टर्स विजय छोटकर और फॉलोसोजोनडेट का मिनिस्टर एलियास यहाँ पर मौजूद था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर बताया गया है कि जनता के हिफाजत के लिए कुछ ज़रूरी मातृखलन लिया जाएगा, और ये मातृखलन जो है ये बहुत ज़रूरी है। जनता को बताया गया है कि कल ये बताया गया है कि आज शनिचर के सुबह में 12 बजे से या
कि ये 00 उर से कल रात 00 उर से ये कहा गया है कि सूरीनाम देश का लुफ्तराम जो है ये बंद किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी उड़ान नहीं होगा, फ्लाइट नहीं रहेगा सूरीनाम से बाहर जो जाएगा या सूरीनाम देश में अंदर आएगा। इसी दौरान ये भी खबर मिला है कि बौद्ध लंगर्स जो है जो सूरीनाम देश में है ये देखा जाएगा कैसे ये सब सूरीनाम देश से फिर अपने देश जाएगा वापस। लेकिन ये कहा गया है कि जो सूरीनामी देश लोग इनखसीतन है, सूरीनाम देश के नागरिक है, इन लोगों के लिए सरकार इस वक्त देख रही है, कोई तरीका ढूंढ रही है कैसे इन लोगों को वापस सूरीनाम देश में लाया जाएगा। ये भी कहा गया है कि कोई मिलन, कोई जश्न, कोई ऐसा इवेंट है जहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग होते हैं तो ये मना है, ये नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा इवेंट में नहीं जाना चाहिए। या जहाँ पर देसी ने फरखोनिंग दिया था इवेंट के वास्ते जहाँ पर ज़्यादा लोग मौजूद होते तो सभी फरखोनिंग जो है देसी जो है डिस्ट्रिक्ट कमिसारस जो है ये वापस ले लिए है, लोगों को इजाज़त नहीं है। ये कुछ मात्र एक रन लिया गया है, कहा गया है पहले 30 दिनों के वास्ते और मुमकिन है, हो सकता है कि 30 दिन के बाद ये एक फरलेंगिंग 30 और दिन का आएगा। ये समस्या देखकर ये तय होगा, सरकार ये तय करने वाली है। ये सूरीनाम देश के जनता के आपके हिफाजत के वास्ते, आपके हिफाजत के लिए कहा गया है। वैसे ये भी कहा गया है विसे प्रेसिडेंट के ये प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर कि रोज़ाना शाम को 6 बजे कुछ एक्स्ट्रा फोर लिखतिंग जानकारी और अपडेट्स रखेरिंग की तरफ से जनता को दी जाएगी। बेओखे और एनसीसीआर के ज़रिए ये एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज होगा और जनता को ये जानकारी दी जाएगी। लेकिन बेओखे कहते हैं कि पेशतर जो बताया गया है क्या आपको करना है, कैसे आप बच सकते हैं इस वायरस से, ये आपको करना चाहिए, आगे में इसको आपको जारी करना चाहिए। वैसे डीएनए में हम आपको बता दें ये जो खबर ऐलान जो फीस प्रेसिडेंट किए है तो डीएनए में ओपोसिटी और कोवालिटी लेडन जो है काफ़ी सवाल किए हैं लेकिन सभी सवाल पर जवाब नहीं मिला है। एक सवाल जिससे कोवालिटी काफ़ी गुस्से में आए हैं वो ये था कि ओपोसिटी बार बार ये पूछ रहा था कि प्रेसिडेंट कहाँ पर है। ऐसे समस्या जब एक देश में होते तो सबसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं अपने जनता से बात करने के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट वहाँ पर मौजूद नहीं था। ये बार बार ओपोसिटी का सवाल करने पे कि प्रेसिडेंट कहाँ पर है, कोवालिटी जो है ये काफ़ी गुस्से में आए हैं। वैसे प्रेसिडेंट के अलावा पार्लियामेंट में भी कुछ और सवाल किया गया है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसी जो डीएनए के ये फरखादरिंग के बाद सभा के बाद भी लगाया गया है, इसमें मीडिया भी कुछ सवाल किए हैं। मीडिया ये सवाल किए हैं कि ये जो मरीज है क्या ये देखा जाएगा, कौन कौन लोगों से ये मिले है, ये इस पर कोई जवाब अभी तक सरकार नहीं दे पाई है। ये भी सवाल किया गया है कि विदेश में जो लोग हैं अगर उड़ान नहीं होगा, सरनामी लोग जो है सूरीनाम देश के जो नागरिक इनखसीतन है कैसे वापस अपने घर आएगा। और ये भी सवाल किया गया है कि क्या पैसा है इस मामले में, ये मामला हल करने के लिए ये मुश्किलात जो इस वक्त देश में है क्या इसके लिए पैसा है, सरकार जो मात्र एक रन लिए है ये पैसा कहाँ से आएगा जो लोग खर्च करने वाले हैं। वैसे हम आपको बता चुके हैं एफनमेंटन जो प्लान की गई थी जैसे आफन फिटाफ से जो अभी हाल ही में आने वाली है अगले महीना में और कहीं पर जश्न इत्यादि जो है ये सब बिल्कुल मना है, मुमकिन है ये आफन फिटाफ से जारी नहीं होगा। ये भी यहाँ वहाँ कहा जाता है कि हो सकता है कि चुनाव भी जारी नहीं होगा लेकिन ये ऑफिशियल खबर नहीं है। आप ज़रूर सावधान रहिए, सरकार सिर्फ सरकार के ये जिम्मेवारी नहीं है, सबसे पहले ये आपके जिम्मेवारी है, आपको सावधान रहना चाहिए। जो पेओखे आपको टिप्स दिए हैं इस पर ज़रूर आपको गौर करना है। वक्त पर आप वक्त पर अपना हाथ साफ कीजिए, डिसइंफेक्टेयर कीजिए, या अगर आपके पास डिसइंफेक्टेंट्स नहीं है तो आप सैनिटाइजर नहीं है तो आप अपने हाथ साबुन से आपको धोना है, वक्त वक्त पर ऐसा आपको करना है। और
और आपको पता है कि आपको बुखार है, सर्दी है, खांसी है, ये सब है, तो ज़रूर अपना हर्ब्स आर्ट्स को आप तार कीजिए। वो आपको बताएगा क्या आपको करना है, या बेओखे के हॉटलाइन को आप तार कर सकते हैं। इन सेफ आख पर बेओखे के हॉटलाइन पर आप तार कीजिए और वहाँ से आपको बताया जाएगा कि क्या आपको करना है, इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेगा। ये अलखमीन इंस्ट्रक्शंस जो मैंने सेरी फन फॉलक सुसंतेत और बेओखे आपको दिए हैं, ये तो सोशल मीडिया पर और भी मैंने सेरी फन फॉलक सुसंतेत और बेओखे के साइट्स पर आप देख सकते हैं, इस पर ज़रूर आपको गौर करना है। वैसे ये भी कहा गया है कि सभी खरंसन जो है सीमा पर लोग और वहाँ पर सावधान रहेंगे, वहाँ पर पहरा डाला जाएगा। ये हम आपको बता दें कि बख्तराक रूते जो है खुयाना पर, निकेरी और खुयाना के बीच में जो बख्तराक रूते हैं, ये दोनों देशों की तरफ से बंद थे। ऑफिशियल रूट साउथ ट्रेन से वहाँ से लोग सफ़र कर सकते हैं, लेकिन बख्तराक रूते जो है ये कुछ दिनों से बंद किया गया है। पहले खुयाना की तरफ से वहाँ पर चुनाव था और कोरोना वायरस के लिए, और उसके बाद सुरीनाम की तरफ से भी ये जो बख्तराक रूट है ये बंद किया गया है। जनता को कहा जाता है सावधान रहिए और अपने हिफाजत के लिए आपको पता है क्या आपको कहना है। जो ये खबर बाहर आई है कल, काफ़ी लोग घबरावत में आए, एक पनिक स्थितिवाद सी सुरीनाम देश में आई है। बहुत से लोग कल गए हैं, ज़्यादा तादाद में लोग सुपरमार्केट गए हैं, दुकान में गए हैं सामान खरीदने के वास्ते। मिनिस्टर हंडल इंडस्ट्री एंड टूरिज्म का स्टेफन संग इस बात पर ये कहे हैं कि आप बेवजह का ये डर, ये भय जनता के अंदर मत डालिए। आप दुकान जाते हैं उतना ही सामान आप खरीदिए जो आपको ज़रूरी है। अगर ज़्यादा सामान आप खरीदेंगे, एक ही चीज़ के आप 5-6 खरीदेंगे, तो इससे एक स्कार्स तक कमताई आएगा और इससे और मुश्किल बढ़ जाएगा, तो आप ऐसा मत कीजिए। और ये भी आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमस्त्रन मतलब इतना ज़्यादा सामान खरीद कर रखना, ये एक इकोनॉमिक डिलेक्ट है, ये स्ट्राफबार है। आप मिनिस्टर ये भी कहे हैं दुकानदारों से इस पर आप गौर करें कि एक आइटम का लोग 5 से ज़्यादा नहीं खरीदे, तो इस पर दुकानदारों को भी कहा गया है गौर करने के लिए। हमस्तर दक्रीत एस वी एक स्टार्ट प्लाथे नहीं सेसन तख्तक नंबर 85 तक, इसके आधार पर मिनिस्टर स्टेफन संग ने ये कहा है। इस मामला से जुड़े हुए एक और ख़बर है कि SLM का फ्लाइट जो कल हॉलैंड से सुरीनाम देश में आए है, ये यहाँ पर लैंडिंग करने के बाद यात्रियों जो इसमें मौजूद थे, इन लोगों से कहा गया है कि इन लोगों को अभी तक इजाज़त नहीं है जहाज से बाहर निकलने के वास्ते, और ये कल सुबह के बाद हम करते हैं। ये बात सुनने के बाद यहाँ के जो यात्रियों थे जहाज में, ये सब काफ़ी हलचल मचाई है इस जहाज में। ये खबर बाहर जो आई है, पहले से ये खबर आ चुका था कि फ्लाइट जब अम्स्टरडम से छूटते हैं कि इसमें मुमकिन हो सकता है एक शख्स है जो बीमार है, और हो सकता है इनको ये COVID-19 बीमारी या वायरस है, ये कोरोना वायरस है। यहाँ पर जब ये हवाई जहाज़ आए तो घंटों तक यात्रियों को इंतज़ार करना पड़ा। बाद में इन लोगों से कहा गया है कि सुबह 7 बजे इन लोगों को इजाज़त मिलेगा इस हवाई जहाज़ से बाहर निकलने के लिए, पारामारिबो शहर आने के लिए, और इस बात पर लोग काफ़ी गुस्से में आए हैं। उसके बाद कहा गया कि एक शार्टर किया हुआ छोटा फ्लाइट में इन लोगों को, एक हवाई जहाज़ में इन लोगों को रखा जाएगा सुबह तक। इस पर लोग भी इतराज़ किए हैं, और हो सकता है, कहा गया है कि मुमकिन इन लोगों को बाद में घर भेजा गया है, लेकिन ऑफिशियल खबरें अभी तक नहीं है क्या हुआ है। सरकार की तरफ से भी अभी तक ऑफिशियल खबरें नहीं है, क्योंकि कल यात्रियों से यह कहा गया था कि NCCR नचुनाव को अरिनाची सेंट्रम फॉर रामपन बहेर सिंह, ये आज सुबह 7 बजे वहां पर जाने वाले थे, संद्रे योहान आदोल्फ पेंगल लुख्ताफन पर जाने वाले थे इस मामले के विषय में। वैसे हम आपको ये बता दें कि आज का जो खबर अभी तक मिला है कि यात्रियों जो कल उड़ान नहीं कर पाए, क्योंकि ये हवाई जहाज़ जो कल अम्स्टरडम से सुरीनाम देश आई थी, इन्हें वापस हॉलैंड जाना था, लेकिन क्योंकि यात्रियों इसमें से नहीं निकले हैं तो ये फ्लाइट कैंसिल किया गया है।
यहाँ का जो यात्रियों थे जिन्हें अम्स्टर्डम हॉलैंड जाना था, ये सब इन चेक कर चुके थे, तो इन लोगों को वापस घर भेज दिया गया है। अब ये खबर आई है कि इन लोगों का प्लानिंग किया गया है आज शाम को 6 बजे उड़ान करने के लिए। आज शाम को 6 बजे ये सब SLM के फ्लोख ये फ्लाइट पर उड़ान कर पाएंगे, ये कहा गया है। ये नहीं पता है कि क्यों अब इजाज़त दिया गया है, क्योंकि कल रात को 00 ईयर से कहा गया था कि लुख्त रोम बंद है, कोई भी उड़ान नहीं होगा, लेकिन अब सुनने में आया है कि आज 6 बजे जो फ्लाइट कल जारी नहीं हुआ है अम्स्टर्डम की ओर, ये अब आज शाम को 6 बजे होगा। वैसे ऑफिशियल खबरें अभी तक सरकार की तरफ से नहीं है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इस जहाज हवाई जहाज में 106 पैसेंजर्स थे और 11 बमानिंगसलेदन, और जो पैसेंजर को लोग कहते थे मुमकिन इनको COVID-19 या फीरोस है, इनको टेस्ट किया गया है और यह कहा जाता है कि इनके पास ये बीमारी नहीं मिला है, हो सकता है मुमकिन है ये नई खतीफ टेस्ट हुआ है। यात्रियों और बमानिंगसलेदन जो है, इन लोगों को कितने देर तक हवाई जहाज में इन लोगों को रहना चाहिए था, वहाँ से निकलना इन लोगों को इजाज़त इसके लिए नहीं दिया गया था। और ऑफिशियल ख़बरें अब क्या होगा और ये लुख्त रोम के बारे में उड़ान फिर जारी होगा या नहीं, ये नहीं पता है। ये ऑफिशियल ख़बरें अगर आएगा तो हम आपको ज़रूर देंगे, लेकिन अभी तक ये पता है कि कल का फ्लाइट जो है जारी नहीं हुआ है, या आज शाम को 6 बजे SLM अम्स्टर्डम की तरफ उड़ान करने वाले है। वैसे इस हफ्ता में ये जो COVID-19 वायरस के बारे में WHO वर्ल्ड गसोंथेट्स ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एक कोरोना वायरस को एक पंडमी कहे है, और ये पंडमी ये है, ये एक बीमारी है जो एक ही समय पर कई ऐसे देशों में दुनिया भर में फैले हुए हैं। तो ये WHO की तरफ से ये कोरोना वायरस जो है ये एक पंडमी करार किया गया है। ये हम कुछ छोटे रूप में आपको बताई है खबरें जो ये कोरोना वायरस से संबंधित है, और वैसे बाकी के खबरों में हम आपको बता दें कि एक फरकेश टोद पिछले हफ्ता एतवार को हुआ चंद्रदेव गुप्तार सेशन सस्तियार कमिसारस वैतिंगवेग में इनका एक हादसा हुआ है, एक ट्विन तहियार का ऑटो बस्त्यूडर जाकर इनसे टकराई है, और टकराने के बाद वहाँ से चला गया, वापस फिर बाद में आए है। पुलिस को बयान में बताए कि वो डर गया था इसलिए वहाँ से वो चले गए थे। इनका गाड़ी जो है ये क्योर और फर्शेकर नहीं था, दोनों फरफाल था, और पुलिस के पूछताछ पर ये बताए कि इनके पास एक खालद खरेब वैस था, जो वो दिखाए खालद खरेब वैस था, पुलिस ले लिए है, गाड़ी भी कब्जे में लिया गया है हेयर क्योरिंग के वास्ते। एस गवर्नर फंत्रिक के जो इन फर्शेकरिंग स्थल हैं इनको कैद में रखा गया है, ये बढ़ा दिया गया है दर तखदाखन से इन फर्शेकरिंग स्थल RC जो रख्तर कमिसार से दर तखदाख से फरलेंग कर दिया है। आपको पता है कि ये कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तनिक बल्ख इस बद्रेफ क्लेयरफील्ड के साथ दस्तखत किए है, और अपने खुद का बद्रेफ ओरियन के साथ, और कुछ गाड़ी महंगी गाड़ी खरीदा गया है जिससे ज़रूरत से ज़्यादा कीमत से ज़्यादा पैसा भरा गया है, इसके लिए फंत्रिक को इजाज़त नहीं था। इनका साक पार्टनर अकाउंटेंट अश्विन अंगनू, मैनेजर पार्टनर जो ओरियन इंश्योरेंस एडवाइजरी का है, इनको भी पुलिस गिरफ्तार किए है, और ये कहा जाता है कि एक जो मोटर गाड़ी महंगा मोटर गाड़ी त्रिक ने खरीदा था, इसमें से एक गाड़ी अंगनू को भी दिया गया है। मिनिस्टर हुफदरात को भी रख्तर कमिसारस के सामने पेश आना था, इनका सुनवाई होता, इनका बयान लोग लेने वाले थे, फरहोर होता, ये जारी नहीं हुआ था क्योंकि मिनिस्टर देश में नहीं था, विदेश में था, लेकिन आज इनका बयान लिया गया है या लिया जाएगा रख्तर कमिसारस के जरिए। एक एंटी फ्रॉड प्लेटफॉर्म ये कायम हुआ है AFP, फिरकीसिंगन 2020 आने वाले चुनाव 2020 के लिए बुध को ये इंस्टॉलेर हुआ है, ठहराया गया है सिक्टिंग द ओलीफंट में। इस प्लेटफॉर्म में अनेक पॉलिटिकल पार्टियों ओपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टियों जो है बैठक लेते हैं, फेहा पे ये शुरुआत किए है ये प्लेटफॉर्म का कायम करना, एंटी फ्रॉड प्लेटफॉर्म कायम करने के लोग सोचे है, और ये एक
किस्म का वाक हॉन्ट फंक्शन इसका रहेगा, सावधान रहेगा और गौर किया जाएगा कि आने वाले चुनाव जो होगा ये ईमानदारी से होगा और इसमें कोई गलत काम या गोलमाल नहीं होगा, इस पर गौर करना है। यह प्लेटफॉर्म में बैठक लेते इसमें भर्ती है फेहा पे पॉलिटिकल पार्टी के अलावा एनपीएस, पीएल, आबो, दू पालू, डीएनएल, आत्विंतक, प्रो स्त्री, डीआईएनएनएनतक और स्पा यानी एसपीआ, ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों इसमें शामिल है और लोग चाहते हैं कि सच्चाई से ये जो फिरकी सिंह चुनाव जो होने वाले हैं ये किया जाएगा, इसमें कोई गोलमाल नहीं होगा। वैसे जब फेहा पे ये इनिशिएटिव लिए है ऐसा एक प्लेटफॉर्म ठहराने के लिए, तो फेहा पे के बारे में हम आपको ये बता दें कि पुराना बंकीर और इकोनॉम जेम बुसाइट जो है ये भी फेहा पे का हिस्सा हो गए हैं, फेहा पे का लिथ है, फेहा पे में अब भर्ती हो गए हैं। ये कहते हैं कि इनका ज्ञान जो है और इनका तजुर्बा जो है वो पार्टी में पार्टी के मदद करने में वो लगाएंगे, पार्टी को इससे वो मदद करना चाहते हैं। और ये भी कहा गया है, बुसाइत ने कहा है कि ख़ास तौर पर वो गौर करने वाले हैं हेयर स्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम पर जो 25 तारीख में यानी चुनाव के बाद होगा इस सूरीनाम देश में। वो अपना मदद देना चाहते हैं, अपना मदद दे रहे हैं और फेहा पे का फोर्सिटर जो है चांसंतो की कहते हैं कि वो बहुत खुश है ऐसे तजुर्बेकार लोग जब इनके पार्टी में शामिल होते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोगों से बातचीत हुआ है और ये हफ्ता ये खबर भी आई कि यूनिवर्सिटी टेक की तरफ से रायन नन्नन और शेरिल टेक्सेल जो है दोनों पार्टी को भी मदद दे रहे हैं और फगबोन स्लेदर रिश्मा मंगरे ये भी अब फेहा पे का हिस्सा है। बुसाइत ये भी कहा है कि वो कोई ऐसे पदवी नहीं चाहते, कोई भी ऐसे पोसीसी नहीं चाहते, वो सिर्फ अपना मदद जो इनके पास है इनकी जो जानकारी है वो देना चाहते हैं इस देश को सुधारने के लिए, इस देश को बचाने के वास्ते। ये कोरोना वायरस का समस्या जो है इस पर ज़रूर आप गौर करना, ख़ास तौर पर जो उमेर के लोग हैं आपका वेर स्थान ये जो है ये शायद जवान लोगों से बच्चों से और कम है, तो आप लोग अपने आप पर ज़रूर और ज़्यादा गौर कीजिए। अगर हो सके किसी से आप मत मिलिए जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, कोई ऐसे जश्न है या कहीं पर आपको जाना है जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं तो बेहतर होगा आप वहाँ पर नहीं जाएं। आप वक्त वक्त पर अपना हाथ धोते रहिए और आप ताज़ा सब्ज़ी और फल इस्तेमाल कीजिए, विटामिन सी आप इस्तेमाल कीजिए इस वायरस से बचने के वास्ते, ये आपके भलाई के वास्ते है। बेओखी का और मिनिस्ट्री फॉर फॉलोसोसोंटिक का टिप्स ज़रूर आप इस पर गौर करना और एक साथ मिलकर हम कोशिश करते हैं इस वायरस से बचने के लिए। ये आखिरी खबर आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।